आपको क्यों कहना है रिपोर्ट मंडी के बारे में? मंडी के बारे में, मंडी तो फिलहाल काफ़ी ऊंची जा रही है और उम्मीद है कि शाम तक ये जो है ना रात तक कम हो जाएगी। अभी महंगी है काफ़ी। अभी आपका कुछ सौदा हुआ है? नहीं फिलहाल तो नहीं है, जो पसंद आ रहे हैं ना वो काफ़ी महंगे हैं। चले शुक्रिया। चलो गाइस देख रहे हैं कितना जानवर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये डांटो से क्या है? ये छिगे छिगे छह दांत है इसके। अगर इसकी फाइनल प्राइस? इसकी फाइनल प्राइस 3,30,000। कुछ छोड़ नहीं इसमें? इसमें नहीं छोड़ सकते, बस इसमें नहीं छोड़ सकते। 3.5 इसकी प्राइस है और 3,30,000 इसके फाइनल। अच्छा आप अपना नंबर शेयर कर। नंबर 0310-5585-542। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डांटो से क्या है? ये डांटो से छः छः हैं। इसका कोई लेने वाला हो फाइनल आपको कितना छोड़, आप उसको छोड़ के कितना तक दे रहे हैं? ये हमने डिमांड लगाई है 3,00,000, कम से कम 2,60,000 तक चला जाए। 2,60,000 तक चला जाएगा आखिरी प्राइस। इसमें अपना नंबर शेयर कर। 0348-44-013-40। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। डांटो से क्या है? ये चौगे है जी। चौस इसमें अगर कोई लेने वाला हो आप उसको कितना तक छोड़ दें? इसका मैं डिमांड 2,50,000 कर रहा हूँ। 2,50,000 जी। लेने वाला तो 2,30,000 फाइनल है जी। 2,30,000 फाइनल है। नंबर है आपका? 0300-918-9076। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। ये डांटो से क्या है? ये चार है। चार है। इसको कोई लेने वाला उसको कितने तक छोड़ के दे देंगे? इसको डिमांड इसकी जो है 2,60,000 है, जो लेने वाला है 2,30,000 में फाइनल होगा। नंबर है आपका? नंबर वो मेरे भाई का नंबर है। अच्छा आपका एक ही नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है इस मंडी में गाय बैलों के रेट कुछ अप है या डाउन है? ना अप है ना डाउन है, महंगाई भी तो देखे ना साथ, हर चीज महंगी हुई है, महंगी तो जरूर है। क्यों नहीं हो सकती? आप तो जैसे डील करोगे वैसे अगला देगा ना, ये तो डील लगे। हर चीज का अपना रेट है, इसमें छोटे बड़े हैं उनके अलग अलग रेट हैं, वो तो आप तक है ना, तो आप देखोगे पसंद करोगे डील करोगे तो फिर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डांटो से क्या है? डोंडे है। डोंडे? इसमें कोई लेने वाला हो उसको आप कितने तक छोड़ के दे देंगे? 2,70,000 का। 2,70,000 का। आपका नंबर है शेयर कर। 0334-56-53-633। ऊंचा ही बोलना ना, आवाज आंदी ना। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है मंडी के रेट हाई है या लो है? मंडी के रेट बहुत हाई है जी जनाब, इस तरह के इस दफ़ा माल जो है वो बहुत महंगा है, और जो पिछले साल एक साल का 1,00,000 का दान था वो अभी आजकल तकरीबन 2,50,000 का है, तो मंडी बहुत तेज़ है, तो इस वजह से माल जो है बहुत महंगा है। आपको क्या लगता है मंडी के जो आपको क्या लगता है मंडी के रेट जो अप हैं वो डाउन हो सकते हैं? डाउन तो अभी मुश्किल ही है, तो ये रेट हाई होते हैं तो कम, पाकिस्तान है पाकिस्तान में रेट कम नहीं होते। चलिए शुक्रिया। आप इसको संभाल लेते हैं? नहीं क्यों डर लगता है, हमने छोटे से पाले हैं तो हमें क्या डर लगेगा इनसे? छोटे से पाले आपने, हम तक आपको अगर इतने तक ना बिके तो आप क्या करेंगे? हम इसको फिर एक साल रखेंगे। फिर एक साल रखेंगे, फिर अगले साल कितने का बेचते? नहीं फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रख लेंगे। अच्छा अभी तक आपने कितने जानवर बेचे? 30। 30 डंगर 3,00,000-5,00,000 का। अभी आपके पास कितने? ये एक ही बचे हैं, एक आखिरी है, फिर आप और लेंगे? नहीं और तो नहीं, आधे साल लेंगे, आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन है, ये आवाम समझ रही है बहुत देंगे, आज आखिरी दिन है। इनको नहीं पता है नवाज शरीफ की हुकूमत है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर कर दिए गवर्नमेंट, और ना जी गवर्नमेंट ने कोई सहूलत ही नहीं दी, टैक्स गोंडा टैक्स पे के देने थे मंडी वाले, ना कोई पानी है ना कोई तोपता बंदोबस्त है, चोर को मौत जी जी आई जी ये जी ने, ये साढ़े व्यापारी बड़े बुखार होते, नहीं आते कोई इतने बोरों करके टैंकी ला के दो, बोलता ही कोई नहीं,
इन्हें टैक्स देव जी 7 रुपये 100 रुपये छुपे घंटे नहीं जी। हाँ होंडा टैक्स मोटरसाइकिल को 30 रुपये घंटे ने अंदर बढ़ने एंट्री के और गवर्नमेंट साइड के सारे काम ने जितना तरवेला का फंड है सारा भैन पिछौर रुपया पैंते इतने कोई नहीं देंगे। हाँ पगाम यही चाहते पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो मंडी वाले से पैगाम है एसी साहब से डीसी साहब से मेहरबानी करके जरा इतने को पानी का बंदोबस्त किया जुले और साफ पानी का डंगर के पानी का बंदोबस्त किया जुले आवाम के पानी का उस बंदोबस्त किया जुले तो छावा का कोई बंदोबस्त किया जुले। हाँ जुलम हो रहा है बंदोबस्त ही नहीं मंडी का ठेकेदार जुलम पे कर देने साड़े ना अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब रिक्वेस्ट ये है कि ये कमेटी इंतज़ामियों को हम दरख्वास्त करते हैं कि ना तो इधर जानवरों के लिए पानी का कोई इंतज़ाम है ना कोई इस तरह के कोई शेड इस तरह के बने हुए हैं और अपना ये पैसा ले लेते हैं और जानवर भी गर्मी में बहुत सख्त गर्मी में तकलीफ़ में होते हैं और इस टाइम हर जो भी सदाकर है व्यापारी है वो परेशानी की हालत में खड़ा है क्योंकि ना तो कोई पानी का इंतज़ाम है ना कोई कमेटी ने कोई इस तरह का बंदोबस्त किया है जिस तरह गोंदल मंडी में बारिश होती है तो कीचड़ होता है और जानवर भी बहुत कम रेट में फिर सदाकर से जाते हैं तो हमारी दरख्वास्त है इंतज़ामिया जो कमेटी की है उनको रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये पानी जानवरों के लिए बंदोबस्त किया जाए शेड वगैरह बनाए जाए ताकि जानवर जब हम जो भी व्यापारी सदाकर लाता है तो उसको तकलीफ़ ना हो। ओके अल्लाह हाफिज़। चले गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ लव यू ऑल हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बाय बाय।